सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें जिससे हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बहराइच जिले से सबसे बड़ी खबर आ रही है, करोड़ों की संख्या में टिड्डियों का झुंड बहराइच पहुंचा। टिड्डियों के पहुंचते ही किसान हुए अलर्ट, खेतों में बैठने पर भगाने का कर रहे प्रयास। हरे फसलों को मिनटों में ही सफाचट कर दे रही हैं टिड्डियां। बड़ी संख्या में टिड्डियों को देखकर मची अफरा तफरी। श्रावस्ती जनपद के बगल के जिले बहराइच जिले की ये तस्वीरें हैं जहां पर टिड्डी दल पहुंचा है। ऐसे में श्रावस्ती जनपद को भी सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि यहां पर बगल का जिला होने के चलते यहां पर भी टिड्डियों का हमला हो सकता है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। 2020 में लगातार एक के बाद एक आफत लोगों के सर पे आ रही है। श्रावस्ती जनपद के पड़ोसी जिले बहराइच जिले की ये तस्वीरें जहां पर करोड़ों की तादाद में टिड्डियों का दल पहुंचा है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। ऐसे में किसान काफी परेशान है। मेहनत से उगाई गई फसल मिनटों में ही टिड्डियों का दल सफाचट कर देता है। कोई तो अपन काम कर ही रहे। अगर किसानों की बात करें तो उनका भी कहना है कि श्रावस्ती की तरफ मूव भी कर रही है टिड्डियां। ऐसे में श्रावस्ती जनपद के किसानों को भी सावधान रहने की जरूरत है। वो सब पूरा सर्वे की है ना। सर जो ये टिड्डी आई हुई है इनको हरी फसलों से बहुत ज़्यादा नुकसान है। मिर्च चिकंडों में पत्ते खा जाती हैं और थालियाँ, और हम लोग थालियाँ बजा के किसी तरह हटाते हैं, एक तरफ हटाते हैं, दूसरे तरफ फिर जाके बैठ जाती हैं। पूरे खेत में मान लिया कि 10-5 बीघा का प्लाट होता है तो एक साइड हटाते हैं, दूसरे तरफ फिर भाग जाती हैं। ऐसे हटाते में हटती नहीं, जब तक पत्ते खा नहीं लेती जब तक हटती नहीं। नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? सोबारा। क्या हुआ खेतों में आपके? टिड्डी खाई गई। कैसे पता लगा क्या आ गया है? ऊपर उड़ती हुई आई, हम भाई चरा इतना है, वही देखा बस, हम मार गिरी रहा, काटत खात रहा, बस दौड़ के हड़ावे लगे। कैसे भगाया आपने? भगाया है आपने? हड़ा हड़ा मट्टी से ऐसा उड़ावा है, उसका खोद खोद के मट्टी फेंका लगे, बस अब उड़े लगे। इसके बारे में कोई पहले से जानकारी थी कि टिड्डियां आ सकती है? नहीं, कुछ नहीं। कितने फसल का नुकसान हुआ होगा? अरे तो 5 लगभग 8 बीघा का प्लाट है नुकसान हुआ आपका? हाँ, 8 बीघा का प्लाट है।